आज की क्लास में एक्सरसाइज 13.6 करना है, जो बेस्ड है एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और इन अदर वर्ड्स एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कैसा होता है? सर्कुलर, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको एरिया ऑफ बेस भी कह सकते हो, इनटू हाइट। इसमें बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, सबको टच करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सर्कमफेरेंस गिवन है, हाइट गिवन है, और ये कन्वर्जन फार्मूला गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू है 1 लीटर। मींस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर हाई अगर कोई टैंक है तो उसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर। तो पहले सर्कमफेरेंस का फार्मूला देखें। सर्कमफेरेंस कैसा होता है? उसका सर्कुलर होता है। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और ये गिवन है 132। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? 132 अपॉन 2 पाई, 132 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर जाएगा। हाइट गिवन है, तो वॉल्यूम पहले निकाल लें। वॉल्यूम कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मीन 21 इंटू 21 और एच है 25, 7 3 21। 66 into 21 into 25 सेंटीमीटर क्यूब इतना आया वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में चाहिए, तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो 66 into 21 into 25 upon 1000 लीटर। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करके और 3 डिजिट पे डेसिमल लगा देना है। सेकेंड क्वेश्चन है, द इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर, अंदर अंदर उसका डायमीटर कितना है? 24। तो इनर रेडियस कितना होगा? 24 अपॉन 2, 12 सेंटीमीटर, यही होगा ना। एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना होगा? 28 अपॉन 2, 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, जो लेंथ ऑफ पाइप होगा वही हाइट ऑफ कौन सिलेंडर होगा। लेंथ जो होती है पाइप की वही सिलेंडर की हाइट कहलाती है, तो हाइट कितना है? 35 सेंटीमीटर। डेंसिटी गिवन है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन की वॉल्यूम कितनी है? 0.6 ग्राम, इतना वेट है उसका, मास 0.6 ग्राम है। कितने का? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब ही क्या कहलाता है? डेंसिटी। साइंस में पढ़ा होगा डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा वो डेंसिटी है। मास निकालने के लिए वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसमें मास ही निकालना है, तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे। डेंसिटी गिवन है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा? अब देखो पाइप खोखला है, कैसा है? अंदर से खोखला है, होलो सिलेंडर है। तो इसके लिए क्या होगा, उसमें मटेरियल जो यूज हो रहा है पाइप बनाने में, बीच में तो खाली रहता है, जो बीच में मटेरियल यूज हो रहा है उसी का वॉल्यूम चाहिए हमको, क्योंकि वही वेट बनाएगा इसका। तो क्या होगा वो? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। आउटर वॉल्यूम में पाइप के आयरन के साथ आएगा वॉल्यूम, और इनर वॉल्यूम में सिर्फ एयर का वॉल्यूम आएगा, तो एयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। 22 अपॉन 7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 35। 22 अपॉन 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 26। घटाओ तो कितना आएगा? 2 इंटू 35।
7 5 35 22 × 26 × 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये सेंटीमीटर क्यूब आया। देन मास इज इक्वल टू, मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम आया है 22 × 26 × 10 और डेंसिटी कितना है 0.6 ग्राम। ये जो भी आ रहा है वो किसमें आ रहा है, ग्राम में। अगर 1000 से ज्यादा आएगा तो 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज ग्राम में रहने देगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको, किलोग्राम 22 × 26 × 0.6 और उसमें 10 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक्स, अ टीन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ बाय हाउ मच। कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो दो तरह के कंटेनर में आ रहा है, एक तो रेक्टेंगुलर है, इस तरह का केन है। सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो ना तुम लोग, कोका कोला वगैरह पीते हैं? नहीं, उसी की बात हो रही है, दूसरी ड्रिंक की बात नहीं मत सोचो। और दूसरा सिलिंड्रिकल केन में है, प्लास्टिक के सिलिंड्रिकल केन में। अब क्या है, इनमें से किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा आएगा सॉफ्ट, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें ज्यादा आएगा। दोनों की वॉल्यूम निकालते हैं, फर्स्ट केस में वॉल्यूम क्या होगा, V1 = LVH नहीं होगा ना, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 50 300 cm³। ये वॉल्यूम आएगी फर्स्ट वाले कैन की, और सेकेंड वाले कैन की V2 = होगा πr²H यही होगा ना, 22/7 × 7/2 × 7/2 × 10 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 टाइम्स ये भी कैंसिल हो गया, 77 × 5 385 cm। बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, सिलेंडर वाले की, सिलिंड्रिकल कैन की, तो लिख देंगे सिलिंड्रिकल कैन हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय 85 cm³। कितना ज्यादा है, 85 cm³ ज्यादा है, तो इसका 300 ही आ रहा है, इसका 85 आ रहा है, V1 is less than V2। क्वेश्चन नंबर 4 है, If the lateral surface area of a cylinder is 94.2 cm², lateral surface area of cylinder का फार्मूला क्या होता है, 2πRh = given है 94.2, यही given है ना, और इसमें से h given है 5, तो h की जगह h की वैल्यू रख लो, 2 × 22/7 × R × 5 = 94.2। यहां से R की वैल्यू कितनी आएगी, 94.2 × 7/5 मल्टीप्लाई करो इसको 44 × 5, ये R की वैल्यू आगे कैलकुलेशन करेंगे, कुछ आएगा वैल्यू। उसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, रेडियस, तो यही रेडियस होगा, इसका कैलकुलेशन करने में जितना भी आए उतना सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। सेकेंड में पूछ रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, जब R निकल जाएगा तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, πr² π = 22/7 R की वैल्यू यहां से जो मिलेगी उसका स्क्वायर करेंगे इनटू h कितना है पाई आ जाएगा, तो 3.14 रख लेना उसमें क्या दिक्कत। तो इस तरह से फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गया आपका, अब लास्ट 4 क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट कॉस्ट 2200 rupees टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल 10 meter डीप, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज एट द रेट 20 rupees पर स्क्वायर मीटर फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल रेडियस ऑफ बेस एंड कैपेसिटी ऑफ वेसल। एक सिलिंड्रिकल टैंक है, उसके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है,
पेंट करने का कुल खर्च आ रहा है 2200 रुपये, 2200। रेट है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने का खर्च है 20 रुपीज। और इस तरह से अगर पेंटिंग कराया जा रहा है तो टोटल इतना कास्ट आ रहा है, तो उसकी इनर कर्व सरफेस एरिया क्या है पहले ये निकाल रहे हैं। तो हमें ये पता है टोटल कास्ट कैसे निकाला जाता है, रेट इंटू इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल कास्ट, यही रहूंगा उसका रेट क्या है और कितना एरिया आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कास्ट निकलेगा। तो रेट कितना है 20, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालनी है ये पता नहीं है, और टोटल कास्ट है 2200। तो इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, इसको ले जाएंगे उधर डिवाइड कर लेंगे, 2200/20 110 मीटर स्क्वायर, यही आएगा ना। इनर कर्व सरफेस एरिया होगी, इनर कर्व सरफेस एरिया में रेडियस निकालना है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2πRh इज इक्वल टू 110 गिवन है, यहां से r निकालना है, h गिवन है 10, h की जगह रख देंगे 10, तो क्या निकलेगा r, r इज इक्वल टू 110/10 × 2π, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11/2 हो गया, तो r इज इक्वल टू आया 7/4 मीटर। और लास्ट में पूछ रहा है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7/4, तो 7/4 × 7/4, एच कितना है 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 5 10 2 2 4 12 11 × 7 × 5/4, सॉल्व कर लीजिएगा जितना आएगा उतना मीटर क्यूब, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, हाइट गिवन है 1 मीटर, इज 15.4 लीटर, इसकी कैपेसिटी गिवन है मतलब वॉल्यूम गिवन है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर वुड चाहिए। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, सरफेस एरिया से ही मिलकर बना होगा ना वो, तो वॉल्यूम का फार्मूला पहले लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, वो वी होता है पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 कर लो, आर है 1 नहीं आर स्क्वायर इंटू एच है 1 इज इक्वल टू 15.4, देन आर स्क्वायर इक्वल टू 15.4, ये लीटर है, इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 15.4/1000 × 22/7, 7 times ये डिवाइड हो जाएगा, 0.7 times, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर होगा 7 × 7, नीचे हो जाएगा 10,000 को लिख सकते हैं 100 × 100 लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू कितना होगा 7/100, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो गया आपका 7/100 का स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू आ गया 7/100। अब हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पाई आर आर प्लस एच, 2πRR+H, आर की भी वैल्यू गिवन है, एच की भी वैल्यू गिवन है, रख देंगे यहां पे निकल जाएगा, ठीक है, आर और एच की वैल्यू बस इतनी है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विथ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm, इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 cm, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल तो आप सबने देखा होगा, बाहर से लकड़ी
लगी होती है, उड लगा होता है और बीच में ग्रेफाइट होता है। वैसी पेंसिल है, टोटल पेंसिल का रेडियस है 7 मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर है 7 मिलीमीटर, तो रेडियस 7/2 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है तो सबको सेंटीमीटर में ही बनते हैं, 7/20 हो जाएगा सेंटीमीटर। और ग्रेफाइट का डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो 1/2 मिलीमीटर रेडियस होगा या 1/20 सेंटीमीटर रेडियस होगा। लेंथ जो उसकी होगी वही हाइट ऑफ सिलेंडर होगी, पेंसिल सिलेंड्रिकल है, 14 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ वुड पहले पूछ रहा है और फिर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, पहले टोटल पूरे पेंसिल की वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से ग्रेफाइट की वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे, तो पाई तो सब में आएगा, दोनों सिलिंड्रिकल है, आर अलग अलग होगा, आर स्क्वायर यहां माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट तो दोनों की सेम होगी, क्योंकि 2/7 7/20 का स्क्वायर इंटू माइनस 1/20 का स्क्वायर इंटू 14, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आए उतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। ग्रेफाइट का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, पाई ग्रेफाइट वाला रेडियस लेंगे 1/20 का स्क्वायर इंटू एच सेंटीमीटर, ठीक है, कैलकुलेशन बस करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलिंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट अप टू 4 सेंटीमीटर। कह रहा है हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट्स को सूप दिया जाता है, सिलिंड्रिकल कोई ग्लास टाइप का है या बॉल टाइप का है, उसमें 4 सेंटीमीटर की हाइट तक रहता है और जिसका रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। 250 पेशेंट्स है तो हॉस्पिटल वालों को कितना सूप बनाना पड़ेगा, तो हमें पहले यह निकालना होगा कि एक पेशेंट को कितना वॉल्यूम मिल रहा है सूप का, फिर 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सूप इज इक्वल टू 250 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना, तो 250 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10 से भी कैंसिल हो गया, 250 इंटू 77 इंटू 2, 250 इंटू 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इस तरह से आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया 13.6।